हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, घर में ही बैठ के खाना मंगवाया बाहर से, और घर में ही बैठ के बाहर के खाने का मज़ा लेने वाले हैं। तो आज हम लोग मंगवाए हैं एक बहुत ही नए क्लाउड किचन से, जिसका कि नाम है द एट्रियम। और ये आप देख सकते हैं कि ये इनका मेन्यू है। सबसे पहले आपको इनका मेन्यू दिखाते हैं, रेट्स वगैरह बताते हैं और कितने वेराइटीज़ के डिश हैं वो दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका मेन्यू है जिसमें कि नंबर लिखा हुआ है, आप नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं या फिर स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत वाइड मेन्यू है इनका, आप देख सकते हैं, मतलब तंदूरी कबाब भी मिलेगा यहीं पर आपको, कॉन्टिनेंटल भी मिलेगा यहीं, पिज़्ज़ा भी मिलेगा यहीं, पास्ता भी मिलेगा यहीं, इंडियन भी मिलेगा, एक ही जगह पर आपके हर एक क्रेविंग का पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा। मतलब आपको जो खाने का मन हो, इंडियन खाने का मन हो, चाइनीज़ मन हो, कॉन्टिनेंटल मन हो, पास्ता मन हो, पिज़्ज़ा मन हो, कबाब मन हो, सब कुछ एक जगह पर मिल रहा है। बहुत वाइड मेन्यू है इनका, बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इधर आप देख सकते हैं बिरयानी भी अवेलेबल है, सैंडविच भी है, ये इनका डिफरेंट ब्रेड ऑप्शंस है। तो मेन्यू तो मतलब पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री लगा, हर कुछ अवेलेबल है एक जगह पर। अब हम लोग इनमें से इसमें से कुछ कुछ सेलेक्टेड डिश को मंगवाए हैं, उसको टेस्ट करने वाले हैं। और इनका जो डिलीवरी है वो भी बहुत सही तरीके से किया गया है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि कितने अच्छे से डिलीवर किया गया है, पूरी तरह से ग्लव्स मास्क पहन के, वो अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये लोग कितने अच्छे से ग्लव्स वगैरह पहन कर आए थे, मास्क पहन के आए थे, और बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में डिलीवर किया गया हमारे फूड को। तो आई एम श्योर कि मेन्यू देख के आप काफ़ी एक्साइटेड हो गए होंगे। अब सीधे हम लोग बढ़ते हैं खाने की तरफ, जिसको कि हम लोग मंगवा चुके हैं ऑलरेडी। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पैक वगैरह करके दिया गया, बिल्कुल गर्मा गर्म डिलीवर हुआ है। और बेस्ट पार्ट लगा कि ये देखिए सैनिटाइज़र भी दिया गया है, ये आप सैनिटाइज़र का पाउच देख सकते हैं, ये भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हैंड्स को सैनिटाइज़ करते हैं, फिर सारे खाने को अनपैकेजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हाथ को किया जाए सैनिटाइज़, और ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब सैनिटाइज़र भी दिया जा रहा है खाने के साथ साथ, तो पूरी तरह से हाइजीन को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अब हम एक एक करके डिश जो जो हमारे पास है उसको निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये हम लोग का मेनली नॉनवेज सेक्शन है, आपको पहले नॉनवेज दिखाते हैं उसके बाद जो वेज सेक्शन है वो दिखाएंगे। तो वेजिटेरियंस को भी निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है, वेजिटेरियन खाना भी अवेलेबल है, नॉनवेज भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। स्टार्ट हम लोग करेंगे नॉनवेज से, क्योंकि वो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हमारा। तो ये देखिए स्टार्टर से स्टार्ट किया जाए, जिसमें कि ये है चिकन टिक्का, नेक्स्ट ये है चिकन टंगड़ी कबाब, नेक्स्ट ये है चिकन बिरयानी, और ये है इनका शेफ्स स्पेशल मुर्ग दीवानी हांडी। तो इतना कुछ है अभी नॉनवेज में। स्टार्ट करते हैं जो इनका कबाब आइटम है, सबसे पहले देखा जाए कि टंगड़ी कबाब से, टंगड़ी कबाब में क्या है। और ये देखिए, ये है इनका मुर्ग टंगड़ी, इसका प्राइस होता है 200 रुपीज़, और आप दो पीस देख सकते हैं, और काफ़ी जूसी लग रहा है ये देखने में। अब नेक्स्ट डिश की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा चिकन टिक्का। चिकन टिक्का अमृतसरी है ये, और इसका प्राइस होता है 200 रुपीज, और इसमें ये चार पीस होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं जो शेफ्स स्पेशल मुर्ग दीवानी हांडी है, उसको जरा देखा जाए कि क्या है उसमें, ऐसा क्या स्पेशलिटी है उसमें, देखा जाए खोल के। वाह, एरोमा तो काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका, बिल्कुल क्रीमी लग रहा है इसका टेक्सचर। अब नेक्स्ट है हमारा बिरयानी, ये है चिकन टिक्का एग बिरयानी। आप चिकन बिरयानी काफ़ी खाए होंगे, बट चिकन टिक्का एग बिरयानी ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, और इसका प्राइस है 235 रुपीज़, 235 रुपीज़ प्राइस, और क्वान्टिटी अभी आपकी आँखों के सामने है। ये आप देखिए, प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छे से डेकोरेट वगैरह करके दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जो ब्रेड सेक्शन है उसकी तरफ, और ये देखिए,
तो ये है इनका लच्छा नान, ये आप देख सकते हैं। लच्छा पराठा तो मिलता है बहुत जगह, बट ये कुछ अलग सा है, ये लच्छा नान है, लच्छा पराठा नहीं, लच्छा नान है। अब एक एक करके सबको ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं कि टेस्ट कैसा है। इसके बाद जब सब कुछ ट्राई कर लेंगे फिर मिलेंगे जो आपको इनका वेजिटेरियन सेक्शन है, वेजिटेरियन में भी एक दो डिश को मंगवाया गया है उसके साथ मिलेंगे। पहले इसको ट्राई करते हैं, तो एक लेते हैं टंगड़ी, अब लेंगे चिकन टिक्का अमृतसरी, और ये सैलेड वगैरह भी दिया गया साथ में, ये देखिए। और थोड़ा सा चटनी, तो शुभारंभ होगा इस चिकन लेग पीस के साथ। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट है, जूसी है, देख के भी लग रहा था, अंदर से भी बिल्कुल जूसी है, और मसाले को बहुत अच्छे से मैरिनेट किया गया है, पूरी तरह से बैलेंस्ड मसाले का टेस्ट आ रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, सब कुछ बैलेंस्ड वे में लग रहा है, बहुत बढ़िया। इतने दूर से आया है, स्टिल पूरी तरह से गर्मा गर्म है, और खाने में बिल्कुल लग रहा है कि रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, कोई ठंडापन या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठंड के मौसम में भी बिल्कुल अच्छे से ये लोग पैक करके हॉट बैग में लाए थे, और रेस्टोरेंट वाला टेम्परेचर आपको घर पर मिल रहा है। नेक्स्ट ये खाया जाए इनका अमृतसरी चिकन टिक्का, इससे भी प्रॉपर स्मोकी टेस्ट आ रहा है बिल्कुल टिक्के का, और बहुत सॉफ्ट है। मतलब जनरली क्या होता है कि हम जब चिकन टिक्का खाते हैं वो बिल्कुल भी जूसी नहीं होता है, ड्राई जैसा होता है, और खाने में भी आपको हल्का चिमरा जैसा लगेगा, सॉफ्ट नहीं लगेगा, ये पूरी तरह से सॉफ्ट और जूसी लगा, दोनों ही डिश बिल्कुल सॉफ्ट लगा चिकन, तो चिकन का क्वालिटी में कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अब जो मेन कोर्स वाला डिश है जिसमें कि है चिकन शेफ स्पेशल चिकन हांडी, इसको ट्राई किया जाए। ये इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, वाकई में ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसका जो कलर जब देखे हल्का येलोइश जैसा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों को खाने थोड़ा स्पाइसी खाना खाने का आदत है, चाहते हैं रेड ग्रेवी हो, थोड़ा पूरा ऑयली लगे, स्पाइसी लगे, तो मज़ा आता है। ये देख के लगा कि हल्का मीठापन होगा इसमें, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, एक अलग सा टेस्ट था, जैसे कि हम लोग स्टार्टर खाएं हल्का स्पाइसी जैसा लगा, ये बहुत स्पाइसी नहीं था बट स्टिल काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट लगा जो यूजुअल चिकन खाते हैं हम लोग उससे। लास्ट में ट्राई करते हैं इनका बिरयानी, एक बाइट लिया जाए बिरयानी का, बिरयानी भी इनका बहुत स्पाइसी नहीं है, और ना इसको कोलकाता बिरयानी कह सकते हैं ना हैदराबादी बिरयानी कर सकते हैं, कोई इम्प्रोवाइज्ड वर्जन इनका खुद का, और काफी स्पाइसी भी नहीं लगा कोलकाता वाला, वो सेंटेड भी नहीं लगा, मीडियम स्पाइसी है, लाइट है, अच्छा है। ये सबको ख़त्म करते हैं, फिर जो इनका वेज वाला सेक्शन है उसके साथ मिलते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेजर्ट भी आने वाला लास्ट में, वो सरप्राइज़ है, तो बने रहिए वीडियो में। अब हम लोग वेज वाले सेक्शन के साथ मिलते हैं। तो ये है हमारे वेजिटेरियंस के लिए, स्टार्टर में है पनीर मलाई टिक्का, ये देखिए पनीर का साइज़ भी काफ़ी अच्छा, और बेस्ट पार्ट है कि इनके यहाँ जो भी फूड होता है वो ऑर्गेनिक होता है, तो वेजिटेरियंस के लिए जो भी खाना है या तो वो कोई वेजिटेबल हो या पनीर हो, सब कुछ ऑर्गेनिक होता है। इनका आप वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं, तो आर्ट्रियम गूगल पे सर्च कीजिएगा मिल जाएगा वेबसाइट, या इंस्टाग्राम पेज भी चेक कर सकते हैं। ये है पनीर लबाबदार, इतने अच्छे से पैक करके दिया जाता है, कहीं से कोई लीकेज का स्कोप नहीं है, पूरी तरह से सील्ड होता है, और ये देखिए ये दोनों देख कर ही इतना अच्छा लग रहा है कि खाने में तो ऑब्वियसली अच्छा होने वाला है ही, और इतना चिकन खाने के बाद अभी वेज खाने का मन हो भी नहीं रहा है, तो अब सीधे हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने डेजर्ट की तरफ, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है और अब कंट्रोल हो नहीं रहा है, तो अब सीधे डेजर्ट्स की तरफ मूव करते हैं और फिर उसके साथ मिलते हैं। फाइनली हम लोग अपने आज के फीस्ट को एंड करने वाले हैं इस स्पेशल डेजर्ट्स के साथ, जिसका कि नाम है बेनोफी पाई, और ये देखिए इस बॉक्स में दिया गया है,
इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और बेस्ट पार्ट लगा इनका जो पैकेजिंग है, इतने अच्छे से पैक करके सबको दिया गया है घर पर, कहीं से कोई लीकेज वगैरह का स्कोप नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से प्रॉपरली सील्ड है। और ये देखिए, ये इनका बेनोफी पाई है, और बहुत स्पेशल डेजर्ट है ये, बहुत रेयरली कहीं देखने को मिलता है। इसमें बनाना भी होता है, थोड़ा सा इसमें टॉफ़ी भी होता है, क्रीम भी होता है। बहुत स्पेशल, बहुत रेयर डेजर्ट है पटना के लिए, तो इसको अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं और उसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। ये इनका बेनोफी पाई और इसका प्राइस होता है 175, और काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में। इसमें बनाना है, क्रीम है, टॉफ़ी है, और पता नहीं क्या क्या होगा इसमें, ट्राई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट स्टिल, देखिए इतने अच्छे से इसको डिलीवर किया गया, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ अपने फॉर्म में हमारे घर तक पहुँचा है, इतना डेलिकेट होने के बावजूद। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छे से ये लोग डिलीवरी करते हैं, कितने अच्छे से पैकेजिंग करते हैं। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड भी करने वाले हैं। वाकई में मज़ा आ गया। ये लाइफ का मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेजर्ट होगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा ये। और बिल्कुल इसको मंगवाइएगा, अगर आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं ज़रूर इसको मंगवाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और 175 के अकॉर्डिंग बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी है। इधर आप देख सकते हैं कि ये इनका जो इसमें टॉफ़ी वगैरह का कुछ यूज़ किया गया है, ऊपर से क्रीम है, ऊपर गार्निशिंग किया गया चॉकलेट्स, और बीच में आप कुछ बनाना जैसा लेयर देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसको बनाया गया, काफ़ी क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ज़रूर इसको ऑर्डर कीजिएगा। और अगर आपको ऑर्डर करना है, सोच रहे होंगे कैसे ऑर्डर करें, तो स्विगी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप 5 किलोमीटर के रेडियस में, तो आप स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नीचे आपके स्क्रीन पर कंटिन्यूसली इनका नंबर आ रहा होगा ऑर्डर के लिए, उस पर कॉल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, प्राइस भी ना ज़्यादा है ना कम है, बिल्कुल जितना होना चाहिए, जितना ये लोग डिज़र्व करते हैं, पैकेजिंग को देख के, क्वालिटी को देख के, टेस्ट को देख के, बिल्कुल उतना प्राइस है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, अगर आपको घर पर बैठे बैठे खाना मंगवाना है, तो ज़रूर मंगवाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। थैंक यू।